हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगस्त महीने का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमाचल जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देश भर में जल संरक्षण को लेकर शुरू किए गए अमृत सरोवर अभियान में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम रहा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टूड फर्स्ट इन द अमृत सरोवर अभियान लॉन्च फॉर वाटर कंजर्वेशन अक्रॉस द कंट्री। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। देश भर में जल संरक्षण को लेकर शुरू किए गए अमृत सरोवर अभियान में जिला सिरमौर ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। सिरमौर ने निर्धारित 75 अमृत सरोवर का जो लक्ष्य था उसे 15 अगस्त से पहले ही पूरा कर लिया है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी ने 73 अमृत सरोवर तैयार करके दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रथम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ने और 73 अमृत सरोवर तैयार करके दूसरा स्थान डिस्ट्रिक्ट मंडी ने, जबकि 61 अमृत सरोवर तैयार करके डिस्ट्रिक्ट चंबा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। विच फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 50वां जो है स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का। होटल पीटरहॉफ। डिस्ट्रिक्ट शिमला के होटल पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 50वें स्थापना समारोह की अध्यक्षता की। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1972 को। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 सितंबर 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता। विच मेडल डिड हिमाचल प्रदेश वेट लिफ्टर विकास ठाकुर वॉन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 रिसेंटली। विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जो है यानी कि रजत पदक जीता है। पुरुषों के 96 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शोधार्थी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है। हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन एनुअली टू द रिसर्च स्कॉलर अंडर द मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। सालाना 36,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है और प्रति माह तीन हज़ार रुपये दिए जाते हैं। सालाना की अगर बात करें तो 36,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने पूरे देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कौन सा स्थान हासिल किया है। रिसेंटली विच प्लेस हैज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा सेकेंड अमंग द गवर्नमेंट कॉलेज अक्रॉस द कंट्री। 13वां स्थान हासिल किया है। देश के टॉप 20 कॉलेजों में जो है 13वां स्थान हासिल किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की मार्शल आर्ट खिलाड़ी मधु कुमारी ने 70 किलो भार में कौन सा पदक जीता है। विच मेडल डिड हिमाचल प्रदेश मार्शल आर्ट प्लेयर मधु कुमारी वॉन इन 70 केजी वेट इन द इंटरनेशनल पेंचक सिलाट कॉम्पिटिशन हैड रिसेंटली इन मलेशिया। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है मधु कुमारी ने। नेक्स्ट है, लोगों की ज्यादा औसत आयु वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन कंट्री इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाईएस्ट एवरेज एज ऑफ पीपल। 4th स्थान हासिल किया है। हिमाचल के लोगों की जो औसत आयु है वो 72.6 ईयर है और ज़्यादा औसत आयु वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश ने 4th स्थान हासिल किया है। पहले स्थान की बात करें तो दिल्ली 1st स्थान पर रहा है, केरल जो है दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, चौथे पे हिमाचल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है। वेयर हैज़ द जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका स्टार्ट रिसेंटली। हिमाचल प्रदेश में। भारत अमेरिका का संयुक्त
जो बल अभ्यास बज्जर प्रहार 2022 है उसका 13वां संस्करण 20 अगस्त 2022 को बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य 15 अगस्त से अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक आरंभ करेगा। रिसेंटली विच स्टेट विल स्टार्ट मोबाइल क्लिनिक इन ऑल इट्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम अगस्त 15। हिमाचल प्रदेश 15 अगस्त से सभी जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मोबाइल क्लिनिक आरंभ करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले किस जिला के युवा उद्यमी सुनील कुमार कौशल को शिमला में हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया। रिसेंटली सुनील कुमार कौशल अ यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हु सेट अप द फर्स्ट मेजर एलोवेरा इंडस्ट्री इन हिमाचल हैज़ बीन अवार्डेड इन द हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड इन शिमला। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जिला हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र के युवा हैं सुनील कुमार। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एलोवेरा पर जो है अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें उन्होंने नाम कमाया है। तो हिमाचल प्रदेश में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले सुनील कुमार कौशल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश की कौन सी नगर परिषद प्रदेश भर में प्रथम रही। विच सिटी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश केम फर्स्ट अक्रॉस द स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण। मनाली नगर परिषद जो है ये प्रथम रही और हमीरपुर नगर परिषद दूसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स 2022 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स 2022 रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 73.1 वर्ष। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कौन से जिले में होगा। हिमाचल हैज़ गॉट द फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट विल इट बी बिल्ट। डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका सिंह ठाकुर कहाँ से संबंध रखती हैं। वेयर इज़ द रेणुका सिंह ठाकुर द प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम दैट वॉन द सिल्वर मेडल इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू की हैं रेणुका कुमारी। रेणुका ने अपने शानदार अभियान में जो है शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है और इन्होंने 18वां स्थान हासिल किया है। अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 18वें स्थान पर ये पहुँच गई हैं। नेक्स्ट है, रहली मेला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। रहली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट शिमला के ठियोग में मनाया जाता है ये रहली मेला और इसे हाल ही में राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में अभी तक कितने परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। हाउ मैनी फैमिलीज हैव बीन बेनिफिटेड सो फार अंडर द मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है कितने परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 3.34 लाख परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया है। हाउ मैनी कमेटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट बाई द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट टू स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम। 20 जो है नई कमेटियों का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, परवाणु के बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिला में राज्य की दूसरी फूल मंडी बनाई जाएगी। आफ्टर परवाणु इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द स्टेट सेकेंड फ्लावर मार्केट बी सेटअप। डिस्ट्रिक्ट ऊना में। परवाणु के बाद जो है अब डिस्ट्रिक्ट ऊना में फूल मंडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। हाउ मैनी टीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड। 3 टीचर जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। युद्धवीर टंडन,
वीरेंद्र कुमार और अजय कुमार, वीरेंद्र कुमार और अजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में ये सूची जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिमला में कितने मेगावाट क्षमता की डुग्गर जल विद्युत परियोजना और कितने मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइन फॉर हाउ मैनी मेगावाट डुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड हाउ मैनी मेगावाट बग्गी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन शिमला, 542। जो डुग्गर परियोजना है उसका निर्माण NHPC के द्वारा किया जाएगा और उसकी जो मेगावाट क्षमता है वो कितनी होगी, 500। और जो बग्गी जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण BVMB के द्वारा किया जाएगा और उसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 42 होगी। डुग्गर जल विद्युत परियोजना की 500 और जो बग्गी जल विद्युत परियोजना है उसकी 42। डुग्गर जल विद्युत परियोजना का निर्माण NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा और जो बग्गी जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि BBMB के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।